चेंज एंड प्रोबेबिलिटी है दीज वर्ड्स ऑब्टेन फ्रॉम अप इन अवर डेली लाइफ वी ऑब्टेन से देयर इज नो चेंज ऑफ इट रेनिंग टुडे एंड ऑल्सो दे थिंक्स लाइक इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप. जब हमारे साथ कोई घटना कंटिन्यूअस होती जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इसको एक एक्टिविटी के रूप में ले सकते हैं. जैसे कि आपका है इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप. इंडिया क्या होगा, वर्ल्ड कप जीतेगा. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ बिट मोर. कंसीडर द स्टेटमेंट द सन कमिंग फ्रॉम अप फ्रॉम द वेस्ट. ये क्या है, सूरज वेस्ट से आएगा. ये क्लियर है कि सही है कि ट्रू एंड फॉल्स है. हेलो पीयूष सब सुद्राप शिवम. फर्स्ट आपका द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, आर इट ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स. फॉल्स. सन किधर से आता है? ईस्ट से. ईस्ट से. एंड आंट ग्रोविंग टू 3 meter हाइट, आर इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये ट्रू और फॉल्स? जैसे कि बोला गया कि सन वेस्ट से राइज करेगा, बट इज नॉट पॉसिबिलिटी बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट. सेम ऐसे सेकेंड आपका एंड आंट ग्रोविंग टू 3 meter हाइट. राजा राजा क्या होगा कि एक आंट ग्रो करेगा लगभग 3 meter हाइट तक, ये ट्रू है कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा. ठीक है. इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट साइड विल आल्सो बी लार्जर. अगर हम किसी भी क्यूब को लार्जर वॉल्यूम का ले रहे हैं, इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर, और इट्स ट्रू और फॉल्स? रुद्राक्ष सक्ष अयाज शिवम श्रेया, इसका मतलब समझ आ रहा है? हेलो. इसके कहने का मतलब समझ आ रहा है? थर्ड पॉइंट के थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? पीयूष रुद्राक्ष कह रहे कि अगर हम एक क्यूब लेंगे लार्जर वॉल्यूम का तो क्या उसकी साइड भी लार्जर होगी? ये ट्रू होगी कि फॉल्स होगी राजा? क्या होगा? क्या होगा पीयूष रुद्राक्ष, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू. ट्रू कैसे भाव्य, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इट्स ट्रू? जैसे हमने कह दिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, या तो इस ट्रू की विकास हम देख रहे हैं पर डे क्या होगा, सन राइज कर रहा है ईस्ट से. तो अगर हम एक क्यूब ले रहे हैं वो लार्जर वॉल्यूम का, तो उसकी साइड कैसे बढ़ेगी ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रुद्राक्ष शिवम वॉल्यूम का मीन्स जानते हैं कि नहीं जानते हैं? शिवम वॉल्यूम मीन्स होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट. तीन चीज होती है वॉल्यूम, किसी चीज की हम वॉल्यूम निकालते हैं उसमें तीन चीज होती है लेंथ ब्रेथ और हाइट. एल बी एच
वॉल्यूम इक्वल होता है एल बी एच, ठीक है। एक मिनट राजा लाना दे दी। तो किसी भी चीज का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, जैसे घर का वॉल्यूम निकल रहा है या फिर बोतल का वॉल्यूम निकल रहा है या किसी बॉक्स का वॉल्यूम निकल रहा है, तो उसमें हमको तीन चीजें देखनी होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ अगर है हमारी तो लेंथ को ही हम साइड भी बोलते हैं, अगर ब्रेथ है हमारी तो उसको भी हम साइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है इफ यू टू इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर, ये टू हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और या फिर वॉल्यूम इक्वल होता है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। एल मीन्स एल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें तीन चीज होती है वॉल्यूम में, तीन चीज होती है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर आपका ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और मान लीजिए हाइट है इसका 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा जब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 4 6 4 24 24, ठीक है। तो इट मीन्स किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है वो कब बढ़ेगा, जब उसकी साइज बढ़ेगी, इट मीन्स लेंथ बढ़े जाए, ब्रेथ बढ़ जाए या हाइट बढ़ जाए। तो ये हमारा टू हो जाएगा कि अगर हम किसी क्यूब को लेंगे लार्जर वॉल्यूम का, इट मीन्स इसके साइड भी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक लार्जर हो जाएंगी, ठीक है। फोर्थ है इफ यू टेक अ सर्किल विथ लार्जर एरिया देन इट रेडियस विल आल्सो बी लार्जर, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम किसी सर्कल को ले रहे हैं लार्जर साइज की तो उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो सर्कल होता कैसे है, ये राउंड आपका सर्कल हो गया, ठीक है। एक सर्कल लार्जर ले रहे हैं, ठीक है। दो सर्कल है, एक हमने नॉर्मल लिया और एक उससे छोटा। अब कह रहा है किसी सर्कल को हम अगर ले रहे हैं लार्जर साइज में तो उसकी रेडियस का क्या होगा, तो सर्कल की रेडियस पढ़ाई गई नहीं गई, पढ़ाई गई। जैसे ये आप लीजिए, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये जब लार्जर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा या 5 सेंटीमीटर जो आप लेंगे, जितना भी आप अर्कस लेंगे वो हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर कोई सर्कल बढ़ रहा है तो उसकी क्या कहते हैं रेडियस भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। यस सर। 2 मिनट फिर से आता इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आर इज ट्रू और फॉल्स सर, क्या होगा सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बुक नहीं क्या आपके पास, इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आर इज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हो सकता है इंडिया विन करे, हो सकता है लूज कर जाए, ठीक है। इफ वी लुक एट द स्टेटमेंट गिवन अबव यू वुड से दैट द सन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट इज इम्पॉसिबल एंड आंट गोइंग टू 3 मीटर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड इफ द सर्किल ऑफ अ लार्जर एरिया इट इज सर्टन दैट इट है इट विल हैव अ लार्जर रेडियस। You can say the same about the larger volume of the cube and the larger size. On the other hand, India can win the next test series or lose it. Both are possible. जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है।
3.9.1. If you toss a coin, can you say, can you always correctly predict that you will get? Try tossing a coin and predicting the outcome each time. Write your observation in the following table. आप एक कॉइन लीजिए और टॉस कीजिए, तो उसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि आप कितनी बार लूज कर रहे हैं और कितनी बार विन कर रहे हैं। तो आप देखोगे कई बार बोलते हैं ना कि रुद्रास इस बार टॉस मैं कराऊंगा, अयाज इस बार टॉस मैं कराऊंगा, तुम या आप जितनी बार जाते हो टॉस कराने आप टॉस हार जाते हो। तो उसमें होता क्या है, जब स्टूडेंट क्या होते हैं मैच खेलते हैं या कुछ करते हैं तो उनको हो जाता है कि अगर कॉइन वन को अगर टॉस के लिए उछाला जाएगा तो ज्यादा टाइम भेड आएगा, ठीक है, या ज्यादा टाइम टेल आएगा। तो वो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अगर क्या कहते हैं कि हम लोग क्वाइन ले रहे हैं तो अगर हम इसको क्वाइन 1 रुपीज को क्वाइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो वो हेड ज्यादा बार आएगा, या 2 रुपीज को रहे हैं तो टेल आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है, चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। इसी में आपका 3.9.1 चेंज टॉस नंबर है, कितने बार आपने टॉस किया, प्रिडिक्शन क्या है और आउटकम क्या है। आपने बार बार प्रिडिक्ट किया तो आपने देखा कि हेड कई बार आ रहा है, आपने प्रिडिक्ट टेल किया है बट आ रहा हेड, तो ये क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी एक सीरीज बन जाती है। फिर आप एक टाइम आएगा तो आप जान जाएंगे कि क्वाइन को वन पर अगर हम टॉस करते हैं तो ज्यादा टाइम हेड आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिए, do this 10 times, look at the observation outcomes, can you see a pattern in them, what do you get after each head, is that you get head all times, repeat the observation same process and write the observation in the table, you will find that the observation shows no clear pattern, in the table below the given new observation 25 process by Sushila and Salma. Here H represents head and T represents tail. Numbers दिया गया है toss का 25 times. Outcomes head, tail, head, tail, head, tail. ऐसे आपकी एक सीरीज बनी हुई है, ये दिख रही है। What does the data tell you? Data अब आपको क्या बता रहा है, 25 times आपने लिया, 25 times, ठीक है, toss किया आपने। अब क्या कह रहा है कि डाटा बोल क्या रहा है आपके साथ, कैन यू फाइंड अ प्रिडिक्टिव पैटर्न फॉर हेड एंड टेल, क्लियरली देयर इज नो फिक्स पैटर्न अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल, व्हेन यू थ्रो द क्वाइन ईच टाइम द आउटकम ऑफ एवरी थ्रोन कैन बी आइदर हेड और टेल, इट इज अ मैटर ऑफ चांस दैट इन वन पार्टिकल थ्रो यू गेट आइदर ऑफ दीस। आप जब टॉस को उछालेंगे या थ्रो करेंगे तो हेड या टेल आने के चांसेस होंगे। इन द अबव डाटा काउंट द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल, थ्रो द कॉइन फ्रॉम बोथ टाइम्स एंड कीप रिकॉर्डिंग व्हाट यू ऑब्टेन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एंड हेड और टेल टोटल नंबर ऑफ यू गेट। ये आप डिफरेंट टाइम्स में जब डिफरेंट टाइम्स जब निकालते जाएंगे तो आपको ये आ जाएगा, यहाँ से हेड आ रहा है, यहाँ से टेल आ रहा है। यू ऑल्सो माइट हैव अ प्लेट विद द डाई, द डाई हैज 6 फेसेस, व्हेन यू थ्रो अ डाई कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर दैट विल बी ऑब्टेंड। जैसे आप लोगों ने लूडो खेला तो आपने थ्रो किया क्या कहते हैं जो होता है डाई, तो उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं करते सर इस बार 6 आएगा इस बार 1 आएगा। तो कभी कभी जब आप प्ले करते हैं तो बोला जाता है ऐसा करो रुद्रास मेरी चांस आप कर दो, तुम जब चलते हो तो 6 ज्यादा टाइम पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन हो जाता है, प्रिडिक्शन में जाता है कि ये अगर बॉक्स और क्या सकते हैं डाई के साथ प्ले करता है तो इसके 6 आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये क्यों आपने ऑब्जर्व किया, ये आपने कैसे ऑब्जर्व किया रुद्राक्ष, प्रिडिक्शन करके कई टाइम्स आपने रुद्राक्ष ने ट्राई किया, मान लीजिए 50 टाइम्स टाइम क्या कहते हैं रुद्राक्ष ने किया, 50 टाइम अयाज ने किया, 50 टाइम भाव्या ने किया, बट
देखें कि आयात के साथ जो है सिक्स आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तरीके की प्रिडिक्शन हो गया कि अगर हम डाई को आयात के साथ अगर यूज करें तो सिक्स आने की चांसेस ज्यादा है, तो ये प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है। वाइल प्लेइंग लूडो और स्नेक एंड लैडर यू मे हैव अ टेन व्हील्स दैट इन द थ्रो यू गेट अ पर्टिकुलर आउटकम, वही चीज है। गोज द डाइज ऑलवेज फॉल अकॉर्डिंग टू योर विशेस, टेक अ डाई एंड थ्रोन इन 150 टाइम्स एंड फिल द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल। टैली मार्क्स क्या क्या आते हैं, जैसे कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, इसकी टैली करना है। मेक अ टैली मार्क ईच टाइम यू गेट द आउटकम अगेंस्ट द एप्रोप्रिएट नंबर। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट थ्रोन यू गेट 5, पुट अ टैली इन फ्रंट ऑफ 5, द नेक्स्ट थ्रो गिव 1, मेक अ टैली फॉर 1, कीप द पुटिंग टैली, मेक मार्क्स फॉर एप्रोप्रिएट नंबर, रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 150 थ्रोन्स एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईच आउटकम फॉर 150 थ्रोन्स। Make a bar graph using the above data, showing the number of times 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हमारी डाई जो होती है उसमें क्या क्या नंबर होते हैं जब लूडो के प्ले करते हैं, बॉल होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 एंड 6। आप सभी लोग लूडो प्ले करते होंगे तो आपके साथ यही चीजें आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको एक डाटा बनाना है, ऐसे एक डाटा बनाना है, अब आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा तो भी जल्दी समझ में आएगा। एक ये आपको डाटा बनाना है, एक एक साइड लिखना है नंबर ऑफ द डाई, नंबर ऑफ बी डाई, कि नंबर क्या क्या है डाई में, आपका रूडम होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेकेंड है टैली मार्क, इट मीन्स 150 टाइम्स में कितने बार आपका वन नंबर आया। मान लीजिए पहली बार आपने थ्रो किया आपका वन आ गया वन, सेकेंड टाइम आपने थ्रो किया आपका फाइव आ गया फाइव, फिर आपने थ्रो किया तो आपका फिर वन आ गया, फिर ऐसे ऐसे आपका एक टेलीग्राफ बनेगा कि कितने टाइम्स होगा। जैसे ये नीचे दिया गया आप लोग का, ये है टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द डाटा, फाइंड द नंबर टाइम्स हेड एंड टेल्स अकर इन इट। अल्ताफ अल्ताफ थ्रू अ डाई 250 टाइम्स एंड गेट द फॉलोइंग डाट टेबल, ड्रा अ बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। अब अल्ताफ ने क्या हुआ, एक डाई को थ्रो किया, उसके पास ये डाटा आया है, थ्रो अ डाई 100 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द डाटा, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5। ये आप लोग के पास डाई होगी, आप फोन करके इसको आप एक बार डाटा निकाल लीजिएगा, ये एज आप क्या कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में आपके साथ अकर होना है। नीचे है आपका व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिक्स आने का कितने टाइम है, फोर कितने बार आने की प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले आप लोग का कूपन आता था, रिचार्ज कूपन याद है, मोबाइल से रिचार्ज करते थे, yes, तो उसमें क्या होता था, yes, ऐसे कूपन बना होता था, उसमें ब्लैक होता था, ठीक है, और उसमें ऊपर से ऐसे कवरिंग की होती थी, तो उसको स्क्रैच करते थे तो उसमें कुछ नंबर होता था 1, 8, 7, 6, ठीक है। फिर हम उसको जब रिचार्ज करते थे तो वो हमारा रिचार्ज हो जाता था, ऐसा क्यों पता है, उसमें एक मैथमेटिकल रूल लगता है आपका प्रोबेबिलिटी का, बोला जाता था प्रेस 1, 1, 1 star 16 नंबर देन हैश तो आपका रिचार्ज हो जाएगा, और स्टार 1, 2, 3 star 14 नंबर देन हैश लिख के आप इसको कॉल कर दीजिए तो आपका बैलेंस रिचार्ज हो जाता था। ये केवल हमारे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के रूल से चलता है, ये जब आप प्रोबेबिलिटी क्लियर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिचार्ज होते कैसे हैं।
ठीक है ये रिचार्ज ऑटोमेटिक होता कैसे, एक प्रोबेबिलिटी होती है, सीरीज बनती है, ठीक है 14 नंबर होगा 8 7 6 4, हम इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर मिल जाएगा 99। तो क्या करते थे, मान लीजिए आपका ये चार नंबर है, आपको ऐड करने पे 99 मिल रहा है। अब इन्हीं नंबर को हम आगे पीछे कर देते थे, 7 को आगे कर देते थे, 6 को पीछे कर देते थे, बीच भी क्या होता था, जो बदमाश आदमी थे या बदमाश लड़के थे वो क्या करते थे, स्टार 1 2 3 स्टार 16 अंक ऐसे ही नंबर डायल कर देते थे। तो कभी कभी उनकी प्रोबेबिलिटी सेट हो जाती थी और उनका मोबाइल रिचार्ज हो जाता था। वो ऐसा इसलिए कर लेते थे, उनको मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पता था। आप कभी भी सर सुपर ले लीजिए सीरीज से, हेलो ड्रॉप, यस सर, कभी भी आप 10 सुपर सीरीज ले लीजिए, एक आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए, एक डाटा आप कलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए आपका ये नंबर है 8 7 6 5 4 2 3 4, मान लीजिए कि एक नंबर आपका डाटा है, ऐसे आप 9 10 डाटा कलेक्ट कर लीजिए। ऐसे आपका एक डाटा मिल गई, एक सीरीज मिल गई, डिफरेंट नंबर्स मिल गए। अब इन्हीं से आप मान लीजिए हमारा रिचार्ज हो रहा है, जब आपको प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 के बाद देखेंगे 7 आ रहा है कहीं काम है, 7 कहीं काम आ रहा है, 8 के बाद 7 कहीं काम आ रहा है, तो आपको एक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि हम 8 के साथ 7 को कहीं एडजस्ट कर दें तो हो सकता है हमारा रिचार्ज जाएगा। तो आपने देख लिया कि ये 8 के साथ 7 यहाँ पे था, 8 के साथ 7 यहाँ था, हो सकता है 8 के साथ 7 यहाँ पे है, सीरीज बन जाती है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है। उसके बाद आप कोई भी 6 या 8 नंबर ले लेंगे, आपका रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि आप जाते हो तो आपको चौमिन वाला रोज रोज आपको उसी प्लेस पे मिल जा रहा है, आप घर से 8 बजे निकले स्कूल के लिए, चौमिन वाला भी अपने टाइम पे निकला, आप देखोगे कि एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि श्रीवास्तव जी के घर के सामने चौमिन वाला आपको पर डे मिलने लगेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई कि आप भी अपनी टाइमिंग से निकले, वो भी अपनी टाइमिंग से निकले और दोनों लोग कॉमन प्लेस पे एक दिन पर डे मिल रहे हैं, यही चीज होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा रुद्राक्ष पीयूष? यस सर। ठीक है, वी नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, वी नो दैट ऑफ्टन अ क्वाइन इज थ्रोन इट हैज टू पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, एंड फॉर अ डाई वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम, वी आल्सो नो फ्रॉम एक्सपीरियंसेस दैट फॉर अ क्वाइन हेड और टेल इज इक्वली, likely to be obtained. We say that the probability of getting head or tail is equal and is 1/2 of each. Yani ki half time head ki probability hai aur half time tail ki. For die possibility of getting either 1 2 3 4 5 and 6, what is for a die, there are 6 equally possible outcomes. We say each of 1 2 3 4 5 6 has. अब two things थी head and tail, तो possibility क्या हो गई, 1 coin था, उसमें 2 चीजें होती हैं head and tail, अब इनकी probability क्या हो गई, half हो गई, हाफ मीन्स आधे टाइम हेड आने का चांस है, आधे टाइम टेल आने का चांस है। सेम अगर हम एक डाई ले रहे हैं लूडो वाली डाई मान लीजिए दे रहे हैं, ठीक है फर्स्ट आपका पॉइंट है, सेकंड डाई इसमें आपके नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें 2 था हाफ हो गया, ये 6 नंबर है तो इसका क्या हो जाएगा 1/6,
यानी कि 1/6 इसके आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट, ट्राई दिस, लास्ट आपका एक्सरसाइज 3.4। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, आर इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है आपका, ट्रू। कौन बोला ट्रू? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्वेश्चन कह रहा है यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, इट मीन्स आप एक दिन बूढ़े हो गए, आपकी एक दिन एज ज्यादा हो गई यस्टरडे से। तो रुद्राक्ष ने बोला ट्रू, यस इट्स ट्रू, क्यों ट्रू है? कल पिछले दिन आप क्या थे? एक साल दो महीने दो दिन के थे, तो आज आप क्या हो गए? एक साल दो दिन दो महीने तीन दिन के हो गए, तो आप एक दिन ओल्डर हो गए। ठीक है, सेकेंड है, अ टॉस कॉइन विल लैंड हैंड अप, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स, क्योंकि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो वो हो सकता है फील्ड पे भी गिर जाए, ठीक है, या हो सकता है हमारे सीट पे भी गिर जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो आपके बार बार हैंड पे ही गिरे। ठीक है, अ डाई वेन टोज सेल लैंड अप विद इट ऑन टॉप, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? सर फॉल्स। फॉल्स, अगर ऐसा ट्रू होता तो क्या कहते हैं, आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा कि द्रौपदी को हार गए थे। ठीक है, अगर उनको पता होता कि हर बार 80 आएगा तो वो जीत में जाते हैं। ठीक है, yes, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, जो अगली नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आएगी वो हो सकता है ग्रीन हो, इज ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू, फॉल्स होगा। ग्रीन लाइट में तो ट्रैफिक लाइट में कितनी चीज होती है सर? रेड येलो ग्रीन, रेड येलो एंड ग्रीन। आपने क्रॉस किया, उसमें मान लीजिए ग्रीन आ गया, आप सेकंड वाले पे जा रहे हैं, तो पूछ रहा है क्या उसकी ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, हो सकता है आप जा रहे हैं, आपकी स्पीड 40 किलोमीटर है पर हावर, किसी की 60 किलोमीटर प्रति हावर है, तो हो सकता है 60 किलोमीटर वाले को ग्रीन मिल जाए, बट आप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो जब तक आप पहुंचेंगे जो ग्रीन था वो रेड हो गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, ये ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स, हो सकता है क्लाउडी डे ना हो, अच्छा वेदर हो। ठीक है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 and 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2, कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2, टू नंबर के साथ क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 5, कि 5 नंबर के साथ क्या होगी प्रोबेबिलिटी, क्या होगी? आपके पास सिर्फ देर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 and 6 ऑन ईच ऑफ देम, आपके पास 6 मार्बल्स है, सिक्स मार्बल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट आपके पास 6 है। कह रहा है देर आर सिक्स मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 मार्बल है आपके पास एक बॉक्स में है, उनके पास नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग अ मार्बल विथ नंबर 2, नंबर 2 के साथ कितने होंगे 1, ठीक है, और नंबर 5 के साथ 1,
क्लियर है दूसरा? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अ क्वाइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टर्म स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी टीम स्टार्ट करेगी, क्या होगी प्रोबेबिलिटी आपकी टीम की? आधी होगी, हाफ होगी, जैसा भी हम लोगों ने किया ना। यस सर। एक पॉइंट को हमने जब जम किया था उसी बताया था दो चीजें होगी, हेड और टेल। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आधी हो गई। जब आप पॉइंट कॉस करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। ये आपकी क्या कहते हैं, टीम फर्स्ट बैट करेगी या फर्स्ट बॉलिंग करेगी। ठीक है, आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमने स्टंप से साइंस